14 अप्रैल को बाबा साहेब के जन्मदिवस को लेकर होने वाले कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ की एक बैठक सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मदिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर माता रमाबाई के जन्मदिवस को भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। वक्ताओं ने माता रमाबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें त्याग की मूर्ति बताया। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती को भव्य रूप से बनाने के लिए संगठन के विभिन्न कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने की तथा संचालन राष्ट्रीय महामंत्री किशन पाल सिंह ने किया। बैठक में राजेंद्र चौधरी, राम कुमार, रघुवीर सिंह, भारत सिंह, भयंकर सिंह, इंद्रजीत सिंह, चंद्रलाल गौतम, कुलदीप एडवोकेट, अनिल कुमार, ओपी सागर, मेघराज सिंह, जयप्रकाश आदि लोग मौजूद थे। बैठक क्या कर रहे हैं? आज अखिल भारतीय अंबेडकर संघ के तत्वाधान में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर जो है यहाँ विचार विमर्श हुआ है। 14 अप्रैल को जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी भव्य रूप से मुरादाबाद की धरती पर। और पूर्व जो है समय से जयंती मनाती चले आ रहे हैं हम लोग, और इसमें जयंती पे चर्चा हुई है कि इसको भव्य रूप से कैसे मनाया जाए। और आज माता रमाबाई का जन्मदिन है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। इसी इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई है और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सदस्यता बढ़ानी है और जो जयंती का कार्यक्रम होना है उसके लिए लोगों को जिम्मेवारियाँ सौंपी गई।